हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर यासीन। आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का TYBSC फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए 2013 पैटर्न इंक्लूडिंग जो VOC वोकेशनल कोर्सेज है। आज मैं आपके सामने एग्जामिनेशन के टाइम टेबल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत ही बच्चे परेशान हैं कि टाइम टेबल कब आएगा कब आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि अंडर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्शंस एंड कैंडिडेट्स, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स क्या है। ये सभी इंस्ट्रक्शन ये है कि देखिए, कॉमन इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूँगा कि इट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड, जो कि मैंने इसके पहले आपको बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में। ऑप्शन गिवन बाई द स्टूडेंट्स टाइम स्लॉट्स फॉर बोथ एग्जामिनेशन, दैट इज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशन इज सेम। आगे मैं बताऊँगा कि ऑल रिलेवेंट कम्युनिकेशन रिलेटेड ऑनलाइन एज वेल एज द ऑफलाइन एग्जामिनेशन विल बी टर्न थ्रू ई मेल और रजिस्टर्ड ई मेल एड्रेस, और आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका SMS आएगा। तो ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी आपने करेक्ट दिया है वो आपको रेगुलरली चेक करना है, और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पे वो SMS आ जाने वाला है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बोथ दिस कम्युनिकेशंस डिटेल्स आर कलेक्टेड बाय द एग्जामिनेशन सेक्शन थ्रू दी स्टूडेंट्स प्रोफाइल फील्ड बाय दी स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप जो भी एग्जामिनेशन की डिटेल्स भरे हैं आपके लॉगिन आईडी पे, वही लॉगिन आईडी का एग्जामिनेशन का सिलेक्शन करेंगे, आपके कम्युनिकेशन डिटेल्स आपके लेंगे, उस पर कलेक्ट करेंगे, और वो कलेक्शन करने के बाद इट इज़ सजेस्टेड नॉट टू चेंज ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर टिल कम्प्लीशन ऑफ अक्टूबर 2020 एग्जामिनेशन। वो कलेक्शन करेंगे और उसी के ऊपर आपका जो है आगे का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। मैं इसको आगे आपको एक बात इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम होने तक के आप ना ही ईमेल आईडी चेंज करें और ना ही मोबाइल नंबर चेंज करें। हॉल टिकट्स आर सेंड टू द कंसर्न एफिलेटेड कॉलेजेस। स्टूडेंट्स कैन कलेक्ट द हॉल टिकट्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन सेक्शन हैज़ प्रोवाइडेड अ स्पेशल फैसिलिटी टू डाउनलोड द हॉल टिकट्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्टूडेंट्स लॉग इन। देखिए, कंसर्न हॉल टिकट्स एग्जामिनेशन में जो है डायरेक्टली आपके लॉग इन आई डी पर भी आने वाला है, और डायरेक्टली जो है आपके कॉलेजेस के तो वेबसाइट पे, कॉलेजेस के जो एग्जामिनेशन ऑफिसर है उनके पास भी जाएगा, लेकिन स्पेशल प्रोविजन दिया गया है आपको कि आपके स्टूडेंट लॉग इन पर वो आएगा। और जी हाँ, उसके बाद आपको जो है क्या करना है, इट इज सजेस्टेड टू अवॉइड इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेक्शन हैज़ प्रोवाइडेड, वही मैं बता रहा हूँ कि स्पेशल आपके पास हॉल टिकट आने वाला है। दो स्टूडेंट्स हु हैड ऑप्टेड फॉर दी ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन शैल कैरी हॉल टिकट्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर। जिन्होंने ऑफलाइन एग्जामिनेशन चूज़ किया हुआ है उनको क्या करना है, उनको जो है हॉल टिकट की इमेज और ओरिजिनल हॉल टिकट आपको लेके जाना है, कैरी करना है। नेक्स्ट ये है कि फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टाइम विल ऑटोमेटिकली गेट सेट फॉर टू 80 मिनट्स। फॉर दोज ऑफलाइन एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन सेंटर्स आर इंस्ट्रक्टेड अलॉट 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टू दीज स्टूडेंट्स। जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया गया है एज कम्पेयर टू अदर्स। फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशन परमिशन इज ग्रांटेड टू टेक हेल्प राइटर एज एन असिस्टेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। देखिए, टाइम टेबल भी ऑटोमेटिक डेट सेट टू 80 मिनट्स, जहाँ 60 मिनट का है वहाँ पे 20 मिनट्स ऐड होने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता चलूँ कि कैंडिडेट्स दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द ऑनलाइन, ये अनट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं काम हम लोग, तो पहली बार जो है ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हैं TYBSC के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस है, आप बने रहिए। कैंडिडेट शैल अपियर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर कन्वीनियंस। कैंडिडेट कैन लॉग इन यूजिंग द मोबाइल लैपटॉप PC और iPad। प्लीज टेक केयर दैट बैटरीज ऑफ दिस यूनिट्स आर प्रॉपरली चार्ज प्रायर टू द एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट फैसिलिटी। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आपने आपकी अच्छे से अच्छी जगह चूज़ करनी है जहाँ पे रेंज अच्छी आए, आपने जो डिवाइसेस आपने लिखे हुए हैं वो डिवाइसेस आपके वर्किंग होना चाहिए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बैटरीज आपने चार्ज कर देना है एग्ज़ाम बिफोर एग्जामिनेशन। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए
मायने रखती है एग्जाम के लिए। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल डिफिकल्टी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। देखिए कोई भी तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, तो आपको जो है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड डिफिकल्टी आ रही है सॉफ्टवेयर में, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल गेट रिज्यूम फॉर द रिमेनिंग ड्यूरेशन इन केस ऑफ टेक्निकल इंटरप्शंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है तो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, और वो स्टॉप एग्ज़ाम जहाँ पे होगा उसका टाइम नोट किया जाएगा, तो वो टाइम आपका रिज्यूम किया जाएगा फिर से जब आप एग्ज़ाम्स देने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप समझ में आ रही है बात आपको? तो आपका टाइम जो है स्लॉट स्लॉटिंग्स के अंदर है और वो वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, आंसर ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट बिफोर द अकरेंस ऑफ द इंटरप्शंस विल गेट सेव्ड ऑटोमेटिकली। जहाँ पे आपने इंटरप्शन हो गया है वहाँ पे उसके पहले समझ लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इंटरप्शन आ गया और आप बीच में रुक गए, तो आपके आंसर जो है वो 10 आंसर जो आपने सेव एंड नेक्स्ट कर चुके थे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे ऑन द यूनिवर्सिटी सर्वर। मॉक टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल स्टूडेंट्स, टाइम टेबल ऑफ मॉक टेस्ट विल गेट कम्युनिकेटेड टू स्टूडेंट्स थ्रू स्टूडेंट्स लॉग इन। देखिए मॉक टेस्ट का भी अरेंजमेंट किया गया है, किस तरह से आप उसको फैमिलियर हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए, तो वो आपको बताया गया है कि किस तरह से आपको एग्जामिनेशन को अपियर करना है, आप फैमिलियर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि बहुत पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको जो है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, और आगे के वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम टेबल है, मैं आपको अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइम टेबल के अलग अलग जो है साइंस की फैकल्टी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टाइम टेबल बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए और मेरे साथ मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए मैं आपको बताता चलूँ डिफेंस स्टडीज़ के बारे में, कब कब एग्ज़ाम्स होंगे SMSC 3 के आपके लिए। सबसे पहले थर्ड ईयर BSc डिफेंस स्टडीज़ रेगुलर 2013 पैटर्न, उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं SMSC 3 के 4 बजे से लेके 5 बजे तक। सबसे पहला पेपर है 12 अक्टूबर के दिन, जो कि पहला पेपर है डिफेंस स्टडीज़ एंड थेरी पेपर 1 इंडियाज़ फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी। दूसरा पेपर है 13 अक्टूबर के दिन, जो है डिफेंस स्टडीज़ थेरी पेपर 2 डिफेंस इकोनॉमिक्स। तीसरा पेपर है वेनसडे के दिन 14 अक्टूबर, डिफेंस स्टडीज थेरी पेपर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी। 15 अक्टूबर थर्सडे, डिफेंस स्टडी थेरी पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। फ्राइडे के दिन 16 अक्टूबर के दिन डिफेंस स्टडी थेरी पेपर 5 है, जो कि डिफेंस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। 18 अक्टूबर के दिन, देखिए 18 अक्टूबर के दिन सैटरडे या कोई पेपर नहीं है, 18 अक्टूबर के दिन डिफेंस स्टडीज पेपर 6 मिलिट्री एंड मीडिया। यहाँ पे और भी एक पेपर है जो कि 923B3, ये इसका पेपर कोड है, जो कि डिफेंस स्टडीज पेपर 6 में आता है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द ह्यूमन राइट्स। मंडे के दिन नेक्स्ट पेपर है जो 19 अक्टूबर के दिन है, उसके अंदर दो पेपर्स है, DS 37 डिफेंस स्टडीज पेपर 7 दैट इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिफेंस स्टडीज पेपर 7 दैट इज अ ग्लोबल सिक्योरिटी 1, ये है 19 अक्टूबर। 20 अक्टूबर के दिन है आपके डिफेंस स्टडी पेपर 8 दैट इज अ इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटजी 1857 to 1947। दूसरा है DS 308 डिफेंस स्टडीज पेपर 8 दैट इज इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटजी, ये 4 बजे से लेके 5 बजे तक एग्जाम्स है। वेनसडे के दिन जो है आपके लिए, वेनसडे 21 अक्टूबर के दिन जो है DS 309 डिफेंस स्टडीज पेपर 9 द रीजनल सिक्योरिटी सिस्टम एंड DS 309B दैट इज अ डिफेंस स्टडी पेपर 9 दैट इज अ स्ट्रेटजिक एनवायरमेंट ऑफ इंडियन ओशन। ये हो गया SMSC 3 का पैटर्न जो कि 21 अक्टूबर तक है, स्टार्ट होने वाला है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, 12 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक आपके पेपर्स चलेंगे SMSC 3 के। SMSC 4 का देखिए, पहला पेपर है आपका 4 से 5 बजे तक, जो कि है 22 अक्टूबर, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। पहला पेपर है DS 401, उसका पेपर